आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग तय कर रहा है कितने चरणों में हुआ चुनाव। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, आंध्र, अरुणाचल और सिक्किम की सरकारों के लिए हो सकती है वोटिंग। पश्चिम बंगाल में अमित शाह को रोकने के लिए ममता की एक और चाल। 22 जनवरी को मालदा में लैंडिंग की इजाजत नहीं। एयरपोर्ट पर मरम्मत का दिया हवाला। पश्चिम बंगाल में तय है अमित शाह की 5 जनसभाएं। 22 जनवरी को मालदा, 23 जनवरी को बीरभूम और झरगाम, 24 जनवरी को दक्षिण 24 परगना और नादिया जिले में करेंगे रैली। राम मंदिर निर्माण पर दिए बयान पर भैया जी जोशी की सफाई का। 2025 में मंदिर निर्माण शुरू होने की बात नहीं। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा देशद्रोह के खिलाफ कानून हटाना चाहती है कांग्रेस। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को दी दलितों के समर्थन की चुनौती। कहा प्रकाश आंबेडकर को सम्मानजनक सीट देने पर देंगे बिना शर्त समर्थन। सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई से घबराई पाकिस्तानी फौज। हर चौकी पर कम से कम 10 फौजी तैनात रहने का दिया आदेश। विदेश मंत्रालय ने तलब किया पाकिस्तान का डिप्टी हाई कमिश्नर। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जताया कड़ा एतराज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस थाने में ग्रेनेड हमला। कोई हताहत नहीं। राज्य में 24 घंटों में तीसरा ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर फेंका ग्रेनेड। शोपियन में एसओजी कैंप पर हुआ ग्रेनेड हमला। जैश ने दी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज किसान ने की खुदकुशी। सही दाम न मिलने से था परेशान किसान ज्ञानेश्वर। वाइब्रेंट गुजरात में पीएम मोदी ने दिया तरक्की का नया मंत्र। कहा भारत के सामने चौतरफा विकास की बड़ी चुनौती। गुजरात के बाद यूपी में लागू हुआ आर्थिक आरक्षण। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी 2019 से लागू होगा आरक्षण। लद्दाख के खार दुंगला में हिमस्खलन से 5 लोगों की मौत। बर्फ में दबे 5 और लोगों की तलाश जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा रहने लायक नहीं रही दिल्ली। प्रदूषण और ट्रैफिक जैम बड़ी समस्या। मुंबई दिल्ली के बीच शुरू हुई तीसरी राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हफ्ते में 2 दिन चलेगी यह ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया में कोहली ब्रिगेड ने रचा इतिहास। मेलबर्न वनडे 7 विकेट से जीत कर पहली बार जीती सीरीज। धुआंधार खेल के लिए धोनी बने मैन ऑफ द सीरीज। मेलबर्न वनडे में धोनी ने 87 और केदार जाधव ने बनाए 61 रन। देश हित में आज के 5 बड़े सवाल। राम मंदिर पर कोर्ट की तारीख तो आपने कई बार देखी है, अब सियासत ने भी नई तारीख दे दी है। आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी कह रहे हैं कि 2025 में बनेगा राम मंदिर। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी। कहने का मतलब ये था उनका कि 2025 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। देश हित में लेकिन सवाल ये है कि श्रीराम के भक्तों को ये इतना कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है। दूसरी खबर, गुजरात और झारखंड के बाद अब यूपी में भी देश का सबसे बड़ा सूबा। केंद्र के 10% आर्थिक आरक्षण को मंजूरी मिल गई। आर्थिक आरक्षण के जरिए मोदी सरकार मिशन यूपी को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। देश हित में बड़ा सवाल, महागठबंधन पर भारी पड़ेगा क्या मोदी और योगी का कोटा कार्ड। उधर ममता दीदी ने अमित शाह की मालदा में होने वाली रैली को रोकने के लिए नया रोड़ा अटका दिया। एयरपोर्ट की मरम्मत का हवाला देकर पश्चिम बंगाल सरकार ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी है। यही नहीं, ममता के मोदी विरोध की वजह से राज्य के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। देश में बड़ा सवाल, आयुष्मान से लेकर रथ यात्रा तक राजनीतिक बदला क्यों ले रही है ममता बनर्जी। कश्मीर में आतंकियों को हीरो बनाने की कोशिश पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आतंकियों के शव अब उनके परिवार को नहीं सौंपे जाएंगे। ऐसे में ना तो आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे और ना ही उनमें भीड़ लगेगी। लेकिन कुछ दलों ने अभी से इसे मजहबी रंग देना शुरू कर दिया है। देश हित में बड़ा सवाल, आतंकियों के आखिरी हिसाब में क्या मिलेगी मजहबी मदद। आज देश हित में आपको सावधान करने वाली खबर भी हम देंगे। भारत समेत दुनिया के 77 करोड़ ईमेल आईडी हैक हो गए। क्या आप अपने मोबाइल ऐप को हाँ में जवाब देने की गलती करते हैं? अपने अकाउंट को हैक प्रूफ बनाने के लिए क्या करना है ये जानकारी आज हम आपको देश हित में देंगे। ब्रेकिंग आपको दे दें बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जी न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं कि लोकसभा के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। ये 5 राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और उड़ीसा हैं। आपको याद दिला दें जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो चुकी है, पिछले साल ही हो गई थी और चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर वहां पर चुनाव कराना है। ऐसे में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी करा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। 2014 में लोकसभा के चुनाव आपको याद होगा अप्रैल और मई में 9 चरणों में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 7 अप्रैल को हुई थी और आखिरी चरण का मतदान 12 मई को हुआ था और 16 मई को नतीजों का ऐलान हुआ था।
और इसी पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, पिछले चुनावों को याद करें तो 9 चरणों में हुए थे, अप्रैल मई में हुए थे, अब आपके सोर्सेस से आपको क्या जानकारी मिल रही है? कुछ शेड्यूल इस तरीके का ही रहने वाला है? जी, लगभग शेड्यूल वही रहने वाला है, क्योंकि देखिए अभी हाल में चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, जितने भी 29 राज्यों के सीईओ हैं उनको दिल्ली बुलाया गया था, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें सारी तैयारी का जायजा ले लिया गया है कि चुनाव को लेकर क्या क्या स्थितियां हैं, क्या स्थिति है वहाँ वोटर लिस्ट का, क्या बूथ को लेकर क्या स्थिति है, बाकी सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या चीजें चाहिए। तो लगभग चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। इसके अलावा सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए होम मिनिस्ट्री से मीटिंग्स होती हैं, तमाम और बातें होनी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग मार्च के पहले सप्ताह में, क्योंकि पिछली बार 5 मार्च को ऐलान हुआ था चुनाव का लोकसभा का, तो इस बार ये हो सकता है कि 3 को हो सकता है 7 को हो, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और लगभग उतने ही चरण में माना जा रहा है कि 7 से 9 चरण में ही मतदान होंगे और साथ साथ 5 राज्यों के मतदान भी उनमें साथ होने हैं। तो लगभग शेड्यूल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा। 3 अप्रैल को जो एग्जाम्स है 12th के वो खत्म होने वाले हैं, तो 3 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल से पिछली बार चुनाव का शुरू हुआ था फर्स्ट फेज का, तो ये माना जाए कि 3 से 10 के बीच में कोई तारीख हो सकती है। अभी हाल में कोई डेट लीक भी हुआ था जिसको लेकर चुनाव आयोग ने शिकायत दी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, लगभग वही शेड्यूल रहने वाला है जो पिछली बार देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात की बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं चुनाव, 2019 का जो चक्रव्यूह है ये कैसा होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया। ये शब्द हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आपको जानना चाहिए। राहुल ने दरअसल चिट्ठी लिखकर ममता को समर्थन देने की बात कही। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी को खुली चुनौती दी, कहा कि मैं अमेठी जाऊंगा और राहुल के खिलाफ भड़काऊ भाषण दूंगा। ऐसे में देशहित में सवाल ये कि क्या महागठबंधन के लिए खोटा सिक्का है राहुल गांधी? बुआ बबुआ से हारे तो राहुल अब दीदी के सहारे। क्या महागठबंधन में मजबूरी का नाम है राहुल गांधी? आपको इस सवाल के पीछे की बड़ी खबर समझाते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इन सुझावों को दरकिनार करके राहुल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर उनकी 19 जनवरी की रैली को अपना समर्थन दे दिया। राहुल ने लिखा कि बंगाल हमेशा जन विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ा होता है और TMC के प्रयास का कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है। राहुल ने चिट्ठी में ममता बनर्जी को दीदी कहकर भी संबोधित किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश और मायावती के गठबंधन से दरकिनार किए जाने के बाद राहुल को TMC से गठबंधन की उम्मीद जगी है? क्या राहुल ने ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान करके सियासी सरेंडर कर दिया है? जैसे औरंगजेब सल्तनत का, मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह हुआ, ऐसे राहुल गांधी उस सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं। कांग्रेस का खात्मा निश्चित है। राहुल गांधी को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी खुली चुनौती मिली। राहुल गांधी ने कहा, ये महाराष्ट्र में क्यों लड़ते हैं? जो महाराष्ट्र आपका खानदान का है, हमारा नहीं है, क्यों जाते महाराष्ट्र को? जाएंगे। राहुल गांधी तैयार हो जाओ, ये शेरवानी अमेठी में जाकर अब भड़काऊ भाषण देगा इंशाल्लाह। 2019 में कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत देखकर एक बात साफ हो रही है कि गठबंधन खेल में कांग्रेस पार्टी का कोई कद नहीं। कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है और राहुल को TMC में अपनी सल्तनत बचाने की आस दिख रही है। लेकिन कांग्रेस को ममता बनर्जी खास भाव देंगी, राहुल के खिलाफ उनके पहले के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात देशहित के ऊपर दलहित को रखने वाली सियासत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत को बंगाल में लागू नहीं करने का फैसला किया और उधर BJP ने ममता से कहा है कि वो योजना को रोककर बंगाल के गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। गरीबों को सताकर मोदी से बदला लेंगी ममता? आयुष्मान भारत से क्यों घबरा गई ममता? ममता बनर्जी ने ये कहकर आयुष्मान योजना को बंगाल में बंद करा दिया कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को चलाना चाहती है तो पूरा का पूरा पैसा केंद्र को ही देना पड़ेगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के हर 12 सेकंड में एक गरीब का मुफ्त और कैशलेस इलाज हो रहा है। इसके तहत अभी तक 8.5 लाख से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है। 6 करोड़ से अधिक गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। समग्र देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर है, इसके लिए सरकार दिन रात में काम में जुटी है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के परिवारों को कम से कम कीमत में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए केंद्र सरकार ने जेनेरिक दवाओं को भी प्राथमिकता दी। इस योजना का असर जानने के लिए हमने बेंगलुरु में रियलिटी चेक किया। 48 साल के पुरुषोत्तम पेशे से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। कंपनियों से सामान लेकर दुकानों पर पहुंचाते हैं। माता पिता, 2 बच्चे और पत्नी के साथ 6 सदस्यों के परिवार का गुजारा भर हो पाता है। थायराइड की समस्या से पीड़ित थे। प्राइवेट डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी जिसमें 1 लाख रुपए का खर्च बता दिया। तब उन्हें आयुष्मान भारत योजना के बारे में पता चला। 5 जनवरी को उनका ऑपरेशन हुआ और अब उनकी घर जाने की तैयारी है। ये सब कुछ आयुष्मान योजना से ही संभव हो पाया। आयुष्मान भारत योजना के पहले 100 दिन में 6 लाख से ज्यादा मरीजों के इलाज पर बिल गेट्स ने भी इस योजना की तारीफ की, जिस पर पीएम मोदी ने भी धन्यवाद दिया। और महज 100 दिनों में 8 लाख लोगों को त्वरित रूप से आयुष्मान भारत का लाभ मिला। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर बनाई गई इस योजना का न सिर्फ स्वागत हिंदुस्तान में हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जैसे कि WHO और कुछ ग्लोबल सिटीजन्स जैसे कि बिल गेट्स, इन्होंने आयुष्मान भारत का स्वागत किया। सवाल यह है कि यह कैसी सियासत है जो एक अच्छी योजना को भी सिर्फ राजनीतिक नुकसान के डर की वजह से लागू नहीं होने देती। क्या ममता बनर्जी को डर है कि उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक जाएगी? क्या ममता बनर्जी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गरीबों को शिकार बनाया जा रहा है सियासी विरोध के चलते। देशहित में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के मस्तक और देश की शान कश्मीर की। कश्मीर को आतंक से मुक्त करने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। कश्मीर में अब आतंकियों के शव उनके परिवार को नहीं सौंपे जाएंगे। इस फैसले से होगा ये कि अब ना तो आतंकियों का जनाजा निकलेगा और ना ही जनाजे में भीड़ लगेगी। अब आतंकियों को उसी जगह पर दफन कर दिया जाएगा जहां पर वो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए दरअसल उकसाया जाता है। आतंक को दफनाएंगे, कश्मीर को फिर जन्नत बनाएंगे। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। आतंकी जहां मारा जाएगा वहीं गाड़ा जाएगा। जिस भी एनकाउंटर साइट पे कोई भी जो ढेर हुआ उसको वहीं पे दफना देना चाहिए। आतंकी जनाजों और मजहबी नारों का दी एंड। उनसे पूछा जाए कि उनके बच्चे कहाँ पड़े हुए हैं और उनके बच्चे किस किस जनाजे में गए हैं, और यहाँ जनाजों के लिए लोगों के बच्चों को भड़काकर उनके हाथों में पत्थर पकड़वाकर ये लोग मिलिटेंट पैदा कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी जनाजों की आखिरी जनवरी। ये एक इंटरफेरेंस है रिलीजियस अफेयर्स में। ये हमारा, जब इंसान कोई मरता है उसकी आइडियोलॉजी से पहले क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन इस वक्त फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती है, तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लोगों का जनाजों पे, फ्यूनरल पे आना बंद कर दिया, इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये हो सकता है यही लोग फिर पुलिस स्टेशन पे जाके पुलिस स्टेशन पे हमला करें। हाफिज और इमरान की जिहाद फैक्ट्री पर फुल स्टॉप।
कश्मीर में आतंक की सबसे बड़ी घेरेबंदी। देखिए कश्मीर से तो आतंक का सफाया हो ही रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। आपको बताते हैं कैसे। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में सेना की ब्रिगेड को हाई अलर्ट पकड़ दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के डर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। पुंछ के दूसरी ओर यानी पाकिस्तान के कोटली इलाके में 3 पीओके ब्रिगेड मौजूद है। इस 3 पीओके ब्रिगेड के सभी फॉर्मेशन को निर्देश जारी किए गए हैं। सेना को अलर्ट पर रहने के लिए ये निर्देश 16 जनवरी को जारी किए गए। पाकिस्तान पोस्ट में सैनिकों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। किसी भी पोस्ट में 10 से कम सैनिक ना हो ये तय करने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तान इस इलाके में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और बड़ी बात ये, भारतीय फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, जिंदा पकड़ा, और 4 आतंकवादी जिन्होंने के सरेंडर किया। यहाँ पर आदित्य, आतंकी संगठनों की क्या स्ट्रैटेजी होती है ये भी दर्शकों को समझाना बहुत ही जरूरी है। आतंकी संगठन एक रणनीति के तहत मारे गए आतंकी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जनाजों में किराए की भीड़ जुटाई जाती है। कश्मीर में एक फैसले से आतंक पर बहुत बड़ी चोट होने जा रही है। आतंकियों के जनाजे की ये तस्वीर कश्मीर में अब दोबारा शायद ही दिखाई दे, क्योंकि फैसला होने जा रहा है कि अब आतंकियों का शव परिवार को नहीं मिलेगा। इससे होगा ये कि आतंकियों के जनाजे नहीं निकल पाएंगे, आतंकियों के बंदूक लहराने पर रोक लगेगी, जिहाद के नारे लगाकर युवाओं को उकसाने का खेल बंद होगा, आतंकियों को हीरो बनाने की कोशिशें खत्म होंगी, आतंकियों की कब्र नहीं बन सकेगी और जनाजे के दौरान भड़काने की कोशिश भी रुक जाएगी। इसी महीने की 12 तारीख को आतंकी जीनतुल इस्लाम के खात्मे के बाद जब उसका शव परिवार को सौंपा गया, तब अगले दिन यानी रविवार को जनाजे के दौरान सेना के जवानों पर पथराव किया गया था। हालात को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा था, फायरिंग करनी पड़ी थी। जिस भी एनकाउंटर साइट पे कोई भी जो ढेर हुआ उसको वहीं में दफना देना चाहिए, उसको एज पर दी राइट्स जो है उसके हिसाब से, अपनी राइट्स के हिसाब से दफनाएं उसको और उसको खत्म कर दे। 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट अब तेजी से छोटी हो रही है। 10 आतंकियों को मारा जा चुका है, अब सिर्फ 2 आतंकी रियाज नायकू और जाकिर मूसा ही बचे हैं। उन्हें भी सेना की गोली जल्द ढूंढ लेगी। बीजेपी ने इसे सही फैसला बताया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। ये बिल्कुल ठीक है, एक तरह से एक इंडस्ट्री बनाई जा रही है। जो जनाजे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो महबूबा है चाहे फारूक है, इनको भी चाहिए कि आतंकवाद को आगे मत लेके जाएं, आगे मत बढ़ावा दें। ये इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर है। ये जो फ्यूनरल है इसको हम जनाजा कहते हैं। ये हमारा मजहबी हक है, राइट है, इसको रोकना ये कोई डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन नहीं है। कश्मीर घाटी में आतंकियों की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकियों ने श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक और शोपिया में पुलिस कैंप पर ग्रेनेड फेंका। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। दोनों हमलों की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है, लेकिन ये तय है कि कश्मीर में अब आतंक का आखिरी अध्याय चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक जैसे मसले पर सियासत के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। आपको बताते हैं कि दुनिया आतंकियों को हीरो बनने से कैसे रोकती है। 2 मई 2011 को दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसकी मौत के कुछ ही घंटों बाद समंदर में फेंक दिया था। अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे उसका मकसद था कि ओसामा की खबर दुनिया भर के आतंकियों के लिए किसी तरह का तीर्थ न बन जाए। 3 जून 2017 को लंदन ब्रिज पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का जनाजा नहीं निकाला गया, क्योंकि वहां के 500 धर्मगुरुओं ने आतंकियों के शव को दफनाने से इंकार कर दिया।
और जुलाई 2016 में फ्रांस में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चर्च पर हुए हमले में शामिल एक आतंकी के शव को दफनाने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2013 में आपको बता दें अमेरिका के बॉस्टन में हुए आतंकी हमले में मारे गए आतंकी को मुस्लिम समाज ने दफनाने से साफ इनकार कर दिया। सितंबर 2009 में भी मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया में सुसिलो नाम के आतंकी को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दफनाने से इनकार कर दिया। बेहद ही दुखद खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख के खारदुमला दर्रे में बर्फीले तूफान में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की तलाश जारी है। आज सुबह आपको बता दें 7 बजे 4 गाड़ियां बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। इन गाड़ियों में 10 पर्यटक सवार थे। जिंदगी बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, BRO और STRF जुटे हुए हैं। लद्दाख के खारदुंगला दर्रे में दर्दनाक हादसा। सब जल्दी करो, गुट वही निकलो, खोदो खोद खोद वहां से खोद वहां वहीं से खोदो खोदो। बर्फीले तूफान में दब गई जिंदगियां। जब कुदरत कहर बरपाती है तो जिंदगी कुदरत के सहारे ही रह जाती है। लेह से 34 किलोमीटर दूर 4 गाड़ियां बर्फीले तूफान में दब गईं। सब जल्दी करो, गुट वही से निकलो, खोदो खोद खोद वहां से खोद वहां वहीं से खोदो खोदो। बर्फ हटाने वाली मशीनों के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेना, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के खारदुंगला टॉप पर आज सुबह हिमस्खलन ने एक बड़ी तबाही मचा दी। करीबन 7 बजे यह हिमस्खलन हुआ। उस वक्त जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास है वहां पर एक ट्रक चल रहा था जो अचानक इस बर्फीले तोदे के नीचे आ गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। हालांकि मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से राहत और बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह 7 बजे हुआ। हादसे में मारे गए पर्यटकों की पहचान नहीं हो सकी है। कश्मीर घाटी में हिमस्खलन की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। पिछले साल तंगधार, माछिल जैसे इलाकों में हिमस्खलन और बर्फीले तूफान ने कई लोगों की जान ले ली थी। इस साल भी कश्मीर में खूब बर्फ पड़ी है और वादी बर्फ से सफेद हो गई है, लेकिन यही बर्फ जब तूफान की शक्ल ले लेती है तो आफत बन जाती है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, लद्दाख, खारदुंगला। तो अगर आप भी बर्फ और पहाड़ पर घूमने के शौकीन हैं और अक्सर पहाड़ों पर जाते रहते हैं तो आपको ये देशद पाठशाला जरूर देखनी चाहिए। इस पाठशाला में पहला सवाल ये कि मौसम को लेकर आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, मौसम का पूर्वानुमान जरूर देख लें, चेक कर लें कि कहीं बर्फीले तूफान या भारी बारिश की आशंका तो नहीं है। अगला सवाल ये उठता है कि पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान क्या सावधानी बरतें। देखिए, जवाब यह है कि ग्रुप के साथ ही रहें, इतनी तेजी से ना चलें कि बाकी सदस्य पीछे रह जाएं। इमरजेंसी के दौरान आपके साथ कोई ना कोई जरूर हो। क्या सामान आपके पास होना चाहिए? ट्रैकिंग गियर और इमरजेंसी किट, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें, अच्छे जूते पहनें जो आपके टखनों को बचाएं, चमकीले कपड़े पहनें, पॉकेट टॉर्च अपने साथ रखें, रास्ता दिखाने के लिए नक्शा या कंपास साथ रखें। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि इस यात्रा के दौरान सावधानी तो हम आपको बता ही रहे हैं और क्या बातें ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, तय रास्ते से अलग कभी ना चलें। एक साथी को रास्ता जरूर पता होना चाहिए। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहुत भारी सामान अपने साथ न रखें। गैर जरूरी सामान साथ न रखें। पीठ पर हल्का सामान रखें। आजकल लगभग हर एक व्यक्ति ईमेल इस्तेमाल करता है, आप भी जरूर करते होंगे और इसीलिए ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर के 77 करोड़ से ज्यादा ईमेल पासवर्ड्स आपको बता दें हैक हो गए। इन ईमेल पासवर्ड्स का गलत इस्तेमाल संभव है। करीब 12,000 फाइलों में इंटरनेट पर आपका डेटा मौजूद है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप भी इस 77 करोड़ लोगों में हैं तो अपनी ईमेल आईडी चेक करें। इस वेबसाइट पर आपको चेक करना है, आपके स्क्रीन पर उस वेबसाइट को आप देख पा रहे हैं। आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि ऐसे ऐप्स के नाम भी लिखे होंगे जिससे आपका डेटा लीक हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूरी है कि आप तुरंत अपना पासवर्ड बदल लीजिए।